भगवान कई आदमी से कि लोहा के गेट लगो हेलो दिखता हूँ घर में तो ऐसी उछलो सो डरो सही में जब तक मैं सफाई ना करो तो घर में सफाई नहीं हो सका था। अब पहले पानी भर लिया फिर करो सफाई। चलो भाई जाने वेलो कहाँ चली गई नहीं ना वेलो चाय बनाई ना कची करी चूल्हे में आगे तक नहीं करी है वेलो अवेलो पानी भर पाओ ना चाय बनाई ना कची अवेलो चाय बन जाती जब से पानी भाया भी गई जब से पानी नहीं तुम्हारा भाया पाओ दो घंटा में तुम्हारा पानी नहीं भाया पाओ सुबह सुबह तुम्हें दो घंटा पानी भाया में लगा मैं सुनी के चलो आऊ चाय कुआर से आ रहा तो चाय पानी बना दे दस बज रहे तुम्हारा पानी भर पाओ रोटी बन जा दस बजे लवाद मन की। हाँ हाँ दो तीन बातें और अब कहीं बोल दो जन साल पुरानी बोल रहे तो उन्हें पहली सोचो भाई बोल दो सब कुछ बोल दो भाई बोल दो चाय बनाओ जल्दी मुझे बताओ मैं उतनी दूर से पानी भाई के आई तुम उतरो आ तो सकत नहीं गुंडी मुंह बजावे लगे हाँ मुंह बजा है तुम चाय ना बनाओ कचू ना बनाओ तो मुंह ना बजा चो गुंडी उतरो आ रहा की मैं पटाख दो उतार के धर लो चाय बना चल रही दो घंटा दिमाग खराब है वहाँ ठीक है तुम मोरो भी तो दिमाग खराब है तो उतार ले बना जल्दी चाय पहले चाय बना ले मूड गरम है बहुत तेज कुबार से बिल्कुल नहीं लगा भाड़े बाहर कोई चाय बना चल तो कितने अपन बना रहे हो पूरे आंगन में नच मारू ये जब लो लो पूरे नच मारो बाहर तो देखिया मां ना लोग घूमत रहो तो देखत रहो नचो ना क्या करो बनाओ के पीने लेते चाय ऐसे पी लेते पानी तो बहन गई थी ना पानी ही नहीं तो और कछु सुनाने वो सुबह भी सुना हाँ मैं कछु सुना चाय बना दूँ ठीक है आज मुझे चाय में है ना चाय पत्ती दो किलो पटक देना जी मैं इतनी चाय पाँच किलो बाद खाओ पानी पटक देना ठीक है हमारी तो बिल्कुल जिंदगी बर्बाद हो गई हाँ तो बाप ने कही कही था कहाँ पटक दो बाप ने बाप ना जाओ नहीं तो जो पतीला तुम्हारी को बढ़िया में धारे लगो पापा ने तो प्रतिदिन सुबह से चाय पानो इतनी किल किल हो चाय 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 बनवा तुमसे चाय ब्याह का यहाँ करो हमने जब हमें दो टाइम चाय ना मिले रोटी ना मिले टाइम टू टाइम अब मुझे गुस्सा ना चढ़ाओ नहीं तो गुस्सा चढ़ेगा तो क्या कर लो मुंह में धाय दो पानी ना मुंह में धाय दो तुम बिल्कुल नाक में दम का है ना मैं जिंदगी का बर्बाद हो गई तुम्हारे संग ब्याह जाने कौन सी मुहूर्त में होगा ओ लक्ष्मी से चाय बनाई के नहीं तो मैं जाता हूं पक्का बिठावा मुझे पिया की चाय में हां होते 10 रुपए जा बर्बाद करियो तुम्हारा तो जो है काम और कहो का काम मुझे बनाना काम तो पिए दूसरी जगह हाँ चाय पी भी खिलाने पैसा है कमरा ले खिलाने पैसा नहीं है मैं बिल्कुल फटे से चदरा ओढ़ के सोवे लगी हो रात में तो जाओ ले दो करे यार कनू का ले दो तो कमरा तो चाय बनाई था मैं जाता हूं बे कनू का जाने कौन से जन्म में निकलने हो कौन से जन्म में गद्दा पर ले जा तो सेठ लो जा तो का पैसा मिले तो कमरा ले दो हां ठीक है रात भर बिल्कुल को कह गई मैं तो कमरा में 10 ठज्जा 6 दिहा तो बाप से कह देना कि ले के दे इतना दे दो एक कमरा और दे दे हां हां सब हमारी वाली दे और हमारी की वाली दे दे अब पूरा तो मार दी के बात है तो कमरा वो मंगवा ली चाय पी के जाओ हाँ चाय पीने जैन नहीं खाने चाय पीने दियो जो आदमी तो जाने कैसा है ये के मार तो मुझे एक नहीं चला ना ये के मार मैं कछु बोल पाऊ था बिल्कुल चकज्जा भाई इतनो मुंह चलाते तो नो मुंह चलाता गई यहाँ तो बिल्कुल नेता बनाओ चाहिए तो 24 घंटा भाषणी देत रहा तू माचिस को ले आ तुम्हारा बाप अगले जन्म में ले आपे होगा माचिस हाँ ले हमें तो पीने चाह तुझे तुम्हें माचिस ले सब कुछ दे ना मैं ओ मिजू अकाती चाय तो बनी जात ओ बन जे है सुपे तुम पी भी ले हो आओ भी कमरा ले बजा दे तो सा जाओ हो तू है सो बे तुम जाओ रो बड़ रो
जो आदमी तो मोरी एक बात नहीं सुनाता, मैं क्या करूं सही में। देखो अपन लोग सिर्फ है ना दो ही कमरा है, अगर कोई चार रिश्तेदार आ जाए फिर की और फिर कमरा कहाँ से लिया है तो पता अपन लोग दो कमरा है सुरात के, मैं वो रहती सो कमरा में इतने छेदे है कि रात के तो मुँह पाँव फंस गाओ तो एक छेदा में, अब वो और फट गाओ है कमरा बिल्कुल ठंडी लगत को कर जा। रिश्तेदार कहाँ से आया, जो बता रिश्तेदार कहाँ से आया ठंड में, गर्मी में हो रिश्तेदार, तो वैसे अपने घर में कहा है कजू है नहीं यहाँ, अब हल्को मैं ही तो मुँह ब्याह होगा अब की आया हूँ रिश्तेदार, अपने कमरा को। अरे तो फिर भी कमरा तो चाहना ही यार, ले लो कमरा। जो आदमी तो ठंड में एक आध दिन आपको कह जाए ना छुट्टे डे जाए तभी मिले मुझे जी यहाँ शांति हो, तभी जो कमरा ले है मुई बात तो एक नहीं सुना था। हाँ तो फिर मैं जाता हूँ, मैं पी लो कब कल चाय। अरे मैं बना नहीं और रही बात कमरा की, जाड़ो बड़े में क्या पैसा बहुत बात करे अपन कमरा तो चाय के लाना बड़े पैसा है, वो कमरन के लाना पैसा नहीं है, बहुत वासी यार हो तुम तो। कमरा तो बहुत महंगा हुआ उन्हें, चार दस रुपए जगह की तो आउट है, दस दस जोड़ के भी एक हजार हो जाए पैसा, तो एक हजार में रोज में बना के देगा, रोज तो बना के दे चाय। अब चार भाई नहीं रही आज भाई पिया दस रुपए जगह में कहो तो कमरा तो हजार हजार पंद्रह सौ। अब मैं बना रही चाय पी लो तुम। हाँ तो बनाओ जल्दी बनाओ, मुखा बनाने काम जो करा थे और बाजे मुई मुड़ पे बजात थुतरा चला जीभ लो नहीं कतरा था, एक आध दिना जीभ कटाए जावे और दांत टूट जावे। कहे जो बता जो उन्हें को घरा सोनू हल्के को कहे का मोरा लो वाले आया आओ ते नहीं जाना सब कुछ होने को घरा चल ऐसे नहीं का वो जगह वो चले जा अरे जो बात तो बहुत सफा है देखो तो बिना पूछे ऐसे कहो कि घर में घुस बहुत अच्छी बात होता। हां तने पैसा नहीं है तो मैं मम्मा के तुम्हारे मतलब हर के उनकी मम्मा की बहू का मौन है, हमारे मम्मा तो मर गए हैं दो साल पहले। अरे तुम्हारे मम्मा नहीं तुम्हारा हस्बैंड है जो उनके मम्मा की बहू का। अच्छा अच्छा हाँ बैठो हम बुला रहे हैं उन्हें। कह जो तुम्हें मम्मा की बहू पकड़े आनी है का चीनो ही नहीं करता मैं रोने चीनो होंगे। हाँ तेरी भाई है साजी। अरे आप कहाँ हैं? भाभी सैया कहाँ हैं? देखो तो हल्की साज़ कौन सी? सैया कहाँ भाभी? हाँ तुम्हारा तो कहाँ है? सुन रहे का? सही में जो आदमी जाने कैसे हुआ है कि तो इतने रिश्तेदार हैं जाने कहाँ कहाँ के, मैं तो समाज समाज के हैरान हूँ और ये आदमी यहाँ बुला रही सुरी के तो कौन जैसे फट गए हो यहाँ तो सुनाई नहीं दे रहा हुआ। इतने आओ कौन मर गए हो तुम, इतने तो आओ उम्मत आई रिया जब से खड़े या बैठो तो कम से कम बारह नमाज आई उधर दूर है रखो तो पहले। हाँ हाँ बैठो 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 अपनो ही घर आए। हाँ हाँ जब तक सही के आई अपनो ही यहाँ। हाँ जो आदमी कम आए रहे हो तुम दिख तो कैसी है ये सब काट के मर गया अपनी आदमी को ये सब बोला थे दिख तो मोरो आदमी को जेठ लगा थी तो मोर लो लो ढाको है मो का करने बताऊं दी मोर कह हां चिल्लाती जब से मैं आउट तो दो दिन और गए बच जा राम में बच जा। हां राम राम मोदी ठीक हो? राम राम पानी आनी पे बात हो रही है ना पानी है? मैंने पूछी थी है पूछी तो है वे कह रहे नहीं पीने और नैनी पूछी है कि पानी नहीं आनी है दोनों तो है नहीं वो मत आई जैन की बहुत जी तो बिल्कुल सांस या होगा लेते थे कछु भी बोल दिए थे हम पानी पिवाई रहन दो ले आ रही पानी ले आओ तो पानी आ रही आओ बैठो बच्चा आओ बैठो 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 बच्चा खैर सब बढ़िया है। आओ सब बढ़िया है। अरे इनकी फुगा की बिटिया का ब्याह है सच्चा तो मोहन बाहर आ गया वो गिलास नहीं है ना घर में छोड़ गिलास आओ तो ठीक है सोता ही जा एक तो जिज्जी है विचित्र ऐसी जो हमारा आदमी है विचित्र बिल्कुल तन तन सी बात पे इतनो टोनो कसत इतनो टोनो मारत कि मैं कहा बताऊ मन तो करत जो पूरा जग को पानी मुड़ पे उन उड़े देवे ले खड़ी रह गए रोटी वोटी नहीं बना रहे रोटी वोटी कहीं ने मतलब कब लो जाने कब लो रुकने देख तो तने को नहीं लगा अबे ढंग से गायब है तो आज नहीं तो जावे की ये परी अबे नहीं जाना हमें दो दिन आ लो ओ भाई दो दिन आ लो नहीं जाने यहाँ अब तो मैं याद में है बता रही तने के लिए आई हूँ बाद में बतिया रही हूँ कितने आओ आओ हिंदू देव बहु बलाउ थे देखो सुन लो कहाँ बात सुन लो
का भाभी कैसी यहाँ है अब आओ नहीं भाव जे तापने पे तानो से मार रही हैं वो तो ऐसी लगे जैसे दिन दो इंगन की बना था भाव हमें भी ऐसी लग रहा है देखो तापन अबे अब ना तो भाव घंटा भर नहीं भाव ये समो वही थी डबला सा भाव वाला पर देख के अजीब सोने पानी दाओ देखो तो है आओ तो नहीं वो तो यह सोने लगा था जब अपन खा गए ना दे दो दिन तब तक भूख के का करे अपने तो मन ही नहीं लगा कछु भी हो अपन रिश्तेदारी में यार खा के रहे जबरदस्ती के कहे तना के आजू बताओ तुम्हारी जी इतने रिश्तेदार कौन से या होते हैं कहूँ तुम्हारा जो आज मम्मा को लेकर आ रहा हो कल आज फूफा को लेकर आ रहा हो बिल्कुल 24 दिन 24 कौन रिश्तेदार अपनी लगा कौन है तो इतने रिश्तेदार कहे आउट है कहे उनके घर में खाए हाँ नहीं है जो अपने घर आ जाते हैं खावे इस साल खाने में से तो आए भी आए तो बाहर से आए तो कहूँ ब्याह हुआ है दो दिन रुके चले जाए तो इतने रिश्तेदार की होते हैं हमारे तो कहूँ नहीं है कल तुम्हारे मम्मा को लेकर आओ नहीं तू तो हमारे मम्मा के लायक है ना एक दिन अकेला नहीं आओ तो जी तुम्हारे रिश्तेदार को चार चार दिन अकेला नहीं तो इधर ही रात है कैसे रिश्तेदार है रिश्तेदार भी तो रहे हैं मुझे बताओ तो भगा दो कहो ने कहा तो भगा दो हंदन के आराम से कहा भी बात सुना सुनिए भी कौन है मैं तो अभी आराम से बोल रही हूं अगर मैंने पूरी आवाज खोली ना तो पूरा मोहल्ला जाग जाए है ठीक है जगा दी वहां जाके जगा दी कोई बात सुनो ये रिश्तेदार हम उठ पे पा रहो का कमरा हमरा तो है नहीं तो फट हुआ कमरा जिन तक गोड़ा फस गया कमरा दे तो तीन ने पल रहा नहीं मैं हाँ अबे तो तुम्हारी नाक कटी मोरी भी बेइज्जती हो जाए मोरी भी नाक कट जाए है मोरी भी कछु इज्जत ना रह जाए फटो कमरा में उड़ाओ ने आदमी की नाक कटी तू तो बेसी कट जाने कहे थे टेंशन ले तुम एक काम करो ओत ही बैठो मुझे तुमसे बात नहीं करने मोरा तो सही में आदमी की सकल ही देख के दिमाग खराब हो जाती हूँ पैसे चार ठज्जा रिश्तेदार बुला ला उन्हें अब मैं क्या करूँ सही में दो ठज्जा कमरा है मैं अपना कमरा तो बिल्कुल ना दे रिश्तेदार ना ओढ़ बे के लाने ओई को कमरा उड़वा और हम आदमी जब रात भर को करे ना टेढ़े जे है जब तक वहाँ अपनी मरी वाई याद ना आ जाए ना जब तक मुझे चैन ना मिले है अब मैं देखा था जी जी अरे पहली बात तो देखो इतना चीट भी तो नीचे बैठ जाती था ना अब देखियो आजकल को जमाना तो बहुत आगे बढ़ गया है अब मैं जो अका था तो मैं रोटी बना वो आ जाते कैसे मुँह हाथ की रोटी कौन तो मैं खाने है ना पचा पाऊनी कैसे मैं आधी सी कुछ कुछ ही सी रोटी बनाऊ उतना भाजी हम तो खा ले मोटी रोटी जैसी बनाओ ऐसी खा ले हम तो अरे लेकिन फिर भी देखियो मुँह हाथ की रोटी इतना जल जाती आधी कच्ची कुछ कुछ ही सी रह जाती तो तुम्हारा पेट खराब हो जाए भाभी हम तो खा ले सब मैं जो देखो मुँह तो हाथ में लगो है और मैंने सोची जब ब्याह आते बनो रोटी बाबू से हाँ हाँ मैंने कही चलो अब जा रहे हैं तुम्हारा इतने अच्छे अच्छे हाथ की बनी रोटी खा ले हम सुमो हाथ की रोटी तो तीन खोट की बनती सुबह खा ले हो तुम हम तो खा ले हैं मुझे देवराज जब इतनी अच्छी है तो जितनी अच्छी रोटी भी बनाओ थी जैसे हम तो सब खा ले हैं मुँह तो दिखा जज जी मुँह से ज्यादा चतोर है अब मैं का करूँ का ना करूँ जा तो बिल्कुल मुँह हाथ की रोटी खावे के लाने आई है और ये को बस चले सुमो ये तो चार महीना रह के जे है मैं तो जो सोच रही हूँ हम दो ही आदमन की रोटी तो बनती नहीं है दस ठज्जा अब मैं छबला भर रोटी कैसे बना हूँ मैं जो काती हल्की कितनी रोटी खा ली तो एक टाइम में और दिन भर में 15 रोटी खा ले सुबह के 6-7 सुबह खा ले और दोपहर के 2-3 खा ले तो शाम के 10 खा ले अच्छा और बे भैया तुम्हारे बे खा ले तो 4-5 ठिया बे तो कम ही खा अच्छा अच्छा और जीजी तुम के वो का चाहती हूँ वो तो जो बता दो अब मैं जो काती ज्यादा रोटी में बना नहीं पाऊ था तो तुम्हें हमें खवाओ ना रोटी के नहीं खवाओ ना हमें ऐसी चले जाओ भूखे पेट अब देखियो तुम्हारी मैं जी जान है उसे चले जाओ ओ भगवान इके तो मन में आती थी बिल्कुल के हम चले जाएं कैसी है इनकी फुगा की बहू देख तो मैं बड़ी मुश्किल से तो अपने आदमी है लुभा के लेके मैं बाहर से आ सो घर में साफ सफाई करनी है आटा पानी का छू नहीं है सो मैं सोची चल इके तो जाए सी जब बना के खपा दे दो देना जा तो वह बिल्कुल ऐसी है कि भंसा घंटा भर लेना रुक बे रुक जब बताई मैं नहीं हाँ कह हल की कैसी है तुम्हारी जगह भाई बस जो बताओ आज कौन गाँव की गुलगंज की आया जा गुलगंज जो भी दिए सी के बाप माता ने कुछ नहीं सका हुआ का पता ही तो मुझे काट रहा मुझे 10 बजे 12 बजे रोटियां 10 बजे उठा जो चार मेरे काल तो मैं हल्के बाद जैसे खोल के की रोटी के पूछ के बना रही जा तो रोटी पर नहीं नवाज या सीख जा धीरे धीरे तो बिल्कुल पता नहीं का लग रहा हां भाई साहब सही है कहा तो आप देखियो मैंने इनसे जो बसा पूछिए कि कितनी रोटी खा तो जी तो है ना बात को बतंगर बना भी लगी हाँ बेटा जा रोटी बना लो तुम देखो तो इन तीन आदमन में जी भाई सब बसा है समझदार और बाकी जे तो झक्कू पक्कू आए हैं चैपला से हैं जे तो बिल्कुल खावे यहाँ आए हैं
चलो रोटी तो मैं बना दे, लेकिन रात में जब जी ऐसे टेड है ना, जब आया मुँह मजा अच्छे को कह जाने। जल्दी अब रोटी बना दे, बैठी रहेगा। अब वाली बना दो, जल्दी रोटी, भूख लगी तो ना खाओ ज्यादा कछु हम ने बस यार सो थक लिया हम, भूख यहां है। जल्दी यार रोटी बना दे। हां बना रहे हैं। आ जा अब जाते, बैठी रहेगा होता है, बना ले रोटी, बनवा ले, बना ले बात। अपन तो रिश्तेदारी में नहीं आए हैं। जो आदमी तो है ना तो घर बैठन देता, और रिश्तेदारी में लोग आके उसे होते काम के लाने के लिए जाते भी संग कर वाले, मुझे घर जाने फिर बता ही बताएंगे अच्छा कचरो जाके। आग लगी, हम तो घर के काम में मरे जा रहे हैं, मेरे को सूख के कांटा हो गए। अब जे रोटी बनाऊंगे छावला भाई सो अपराने का जाने। अब जो मैं जो कहती जल्दी बना दो, थक गए हैं बस मैं आता हूँ, मतलब जो तो मोर सुना जल्दी बना दे चाय पी, मेरे को मन कर तो मूड पर लग तेरा खमाओ। इतनी भूख लगी थी सो मैं बस मैं चार समोसा खा लेने थी हैं कि एक आओ मैं लिए थे घर के लाने बैठी थी तुम तो कैसी है पूरा लगा थे बिल्कुल। अरे जीजी तुम तो देखो तो बुराई मान जाती हो, मैं तो इतना थका गई हूँ काम करत करत सुबह उल्टो सीधो निकाल गया मुँह से, तुम्हें ऐसी गुस्सा ना हो करी। गुस्सा ना हो रहा तुम्हें ऐसे मुंह पे बोल देते हम तुमसे बढ़िया तो सोचे करो। देखियो तुम भी घर के काम करती, तुम भी तो ऐसी गुस्सा हो जाती हूँ जो घर के काम। हाँ, हमने गुस्सा हो तुम्हारे ऐसे। अब ठीक है चाय बना लो जल्दी। हाँ बुराई ना माने करी, मोरा तो सही में मन करने लगा कि आदमी की रिश्तेदारी में लोग अज्जा छुपा देवे, बिल्कुल जय रिश्तेदारी तो इतनी हो गई हमारे आदमी की, बिल्कुल आए दिन रोज रिश्तेदार आ रहा है का बताओ सही में। और जा आग ही बुझ गई, अभी तो चाय बनाई थी और अभी जा आग ही बुझ गई। अब मिट्टी को तेल का यहाँ बारो पन्नी से काम चला ले दो, और जे तो बिल्कुल खावे के मूड़े आए हैं खाई के जय हैं। जागी है सुहागी नहीं बह पा रही। अरे बाय जा लूगर की छुबी कह तू से आगे नहीं बात बनाता बिल्कुल, मम्मा तई ने कहा सिखाओ नहीं है कतोरी। अब बन जाते आगे बारत, आगे तो मैं छुपा दो पूरे गांव भाई में। पूरे गांव है मैंने छुपा, जो बता जब मोटी मोटी नकली रखी सो कहां से बह जा तो पतली पतली रख लो तो तोड़ के वही में तो लगे। हाँ हाँ पगली आनी सी है पूरी। कह प्रिया सुनती हो का इतनी आयु तना। हाँ वे कान कौन खराब हो सुनाते हमें तो जो कह रही तना। हाँ रात के रोटी खा ले थे ना सो तनक हम उन्हें जल्दी नींद आऊ लगा थे। अच्छा, सो तनक मोला ने उन्हें लत्ते बिछा दी थी और तुम्हारे भाई साहब सुन के लाने बिछा दी थी। हाँ हाँ बिछाए दे तो बिछाए दे तो। हाँ तो जल्दी बिछावे तो नींद सी आऊ लगी ज्यादा। अब मोहलो तो इतने बिल्कुल उन्होंने की दुकान खुली, अब जी चार ठज्जे रिश्तेदार आ गए हैं, दो ठज्जा कमरा है। अब मैं का करूँ का ना करूँ, वो आदमी की हूँ नहीं बेइज्जती, मैं तो बढ़िया अपना कमरा लेके सोजे हूँ जी। जब रिश्तेदार को करे ना फिर इन्हें भी पता चले, हमारे आदमी है भी पता चले कि मैं कब से लगी हूँ, ले लो कमरा ले लो। लेकिन ये आदमी है कौन कछु समझ में आऊ थे, पैसा नहीं है पैसा नहीं है। कमरा वाला दे दी थी तना, अब ठंड का मौसम सो ठंडी ना लगे रात के। अब मैं और भी अपने हार दे दू का, ये आदमी से तो कपटी लगी हूँ कि ले ली कमरा ले ली, लेकिन ये आदमी है कौन कछु सजाता है। और मैंने तो वो आदमी से कही भी हती थी कि इमरजेंसी में कौन रिश्तेदार टबा के आए तो, लेकिन हम आओ आदमी कौन रिश्तेदार हमने आए हाँ नहीं है हमने रिश्तेदार। अब दे जाना कौन सी बापा टबा के आए हैं, अब तो नाक पूरी कट ही जाने। वो तो कछु टेंशन नहीं है, मैं तो अपनी कमरा उड़ के सोजे हूँ जे आने टेडे लिया तुझे लिखा मेरा जब से कहा तो होगा मुँह तुझे। हाँ लिया रही कमरा तुम अभी बैठो तो बैठ जाओ तुम है। अरे बैठे तो जाए लेकिन कम ना जाए जब मैं तुम नींद आ रही का सब होते ही जाता। मैं लिया रही कमरा हो तो बिस्तर लगाया हूँ, अब जाओ लेके तो आओ ही सी है बिल्कुल। ठीक है मुँह काका ने ले आओ ये तो पड़ी रहा रही कब से मैं देख रहा हूँ ना नहीं बिछा तूने तो ने जब तो पड़े हैं उन्ना कहे राजगद्दी बिछाने इस आराम से धर रहे हैं जो जो तुम पहने हो ना उन्ना लगता भी उतार दो सुबह बिछाने रहे बिछा दू
बिल्कुल शर्म नहीं आऊता अपने मन से जी, तुम्हारे बाप आ गए हो खुद कहते कि हमारे रिश्तेदार हैं, कौन आऊ नहीं आए बे कौन आऊता है बचाना का गया तू का कहत अब भी थोड़ी बता गया रिश्तेदार। मैंने यही बात कही थी ना तुमसे कि कमरा ले लूं बा रिश्तेदार को ना पता किया चल ये रिश्तेदार हल्ला ने का उन्ना बिछा दी भाई साहब ना पन्ने उन्हें बिछा दो वो जी है ना अपने हाड़ बिछा दो उन्ना नहीं है कैसे हल्ला है सोना थुइए भी वहां हल्ला गए कौन भी कहूं के भी आए तुमने तो दिमाग ही खराब करके ठहरो कहे होगा सोनू भैया अरे कछु नहीं ऐसा ही सुन लो उन्ने अब कह दो उन बड़े भाई साहब से उन हल्के से कहते ढल रहा हां कह दे तो जा रहा तन ना चल बच्चा पर हां बच्चा सो रहा है तो नींद सी यार लग गई थक गए हम तो कुछ दिन से जगे यार सो अल्लाह बच्चा पर पर बच्चा तो कहीं चाव नहीं आवाज तुम बुला लिया ना मैंने सुना तो बहू तो है आवाज मार दी बस हां बच्चा कह दो तो बहू जी से कमरा मार ले जा था ना हां मैं कह दे नींद अब लग गई थक कर को ले ले आओ मोरो तो सही में इतना दिमाग खराब है एक कमरा न बेहोन इतनी किल किल हो रही घर में कि मैं कहा बताऊं कौन ना बताऊं अब देखो तो जिज्जी सोई कि नहीं सोई या जिज्जी ओ जिज्जी चली गई कहो ऊपर हां मुंह दिखा सो गई दे दे ने कमरा में नहीं रहे रिश्तेदार ना कमरा होते छबला भाई तो धरे सोई कि कमरा सब हां बांट दो रखी हो भी तोड़िया कमरा अपने गंगा ई घर में दो ही ठैया कमरा है और चार ठज्जे रिश्तेदार हैं अब बताओ की हो रहा हो दो हैं तो एक भौजी उड़ा दे और एक रिश्ते वो बच जाना दे दे बाहर तो मैं तो ही बैठी हूँ मैं आऊ तो तनक दे मैं हाँ जल्दी आइए कमरा ले आइए यदि भागे आप है चाहे खुद उड़ो चाहे भौजी हाँ उड़ा दो चाहे वो अपने भज्जा हाँ चाहे हल्के हाँ जी हाँ उड़ाने हो उड़ा दो ठीक है और एक कमरा है सो मोइलाने है एक कमरा जो तुम्हारे लाने हैं जी हाँ जो उड़ाने हो सो उड़ा दो और मैं अपना कमरा ले गया एक भज्जा ना दे दे जो भौजी उड़ा दे ले कान खोल के बात सुन लो हमारी हम अपना कमरा कहूंगा भी ना दे है ठीक है ना लक्ष्मी दे रही हूँ कमरा रिश्ते अनुसार में नाक ना कटवा तनक वनक बची बची रहा इतने बोल बोल के उन्हें इतना सुन लो तो भी तो जाने कस हो जा तुम ये रात भर की बात है जो सोच रहे हो जी हाँ सो सोचे हमें उसे कछु मतलब नहीं है देखो वैसे भी जो कमरा हम उड़ाते हैं वो आदो फटो सो है चिथो सो है तू बहुत यहाँ उड़ा दे बहुत समझदार घर जाने साजो कमरा दे दे मैं अपना कमरा मैं कहाँ से ले आऊँ देवी कहाँ से ले आऊँ मैं कमरे रात के दुकान है खुली कहाँ जाऊँ दिमाग ना चाटो नहीं तो एक आध दिन मैं खुपड़िया में धा दो लोग अज्जा सो फूट जाए खुपड़िया जो कमरा चाहे खुद उड़ो चाहे जी हाँ भी उड़ा मोसे मोए कछु मतलब नहीं है मैं नहीं दे रही अपना कमरा तू खुद उड़ लो खुद की चिंता है ना मोरी चिंता है बस अपने रिश्तेदार नन्हा पर कब हाथ पे हाथ ले रखो रात है मुँह तो कछु भी मतलब नहीं है मैं तो जा पड़ी अपनी अब चाहे रात भर टिड्डे चाहे कोकर जो भी होने हो सो हो सत्यानाश मैं तो नहीं गई जिज्जी अभी तो जो आदमी मुंह से आया ना भैंस का बेके लाने तो मुंह तो अब बिल्कुल बिल्कुल दिमाग ही खराब हो जाने अब मोरा बहुत ज्यादा मैं तो जा पा रही अपनी बिल्कुल ठंडी है लग रही है देखो तो रोंगटे खड़े हो गए हैं एक ही कमरा है वो भी फटो सो है एक पाँव दूसरे टोल के मैं खुद जाने से पूरा कमरा फट जाने का बच्चा जी अबे रोनिया ये मुंह तो ठंड लग रही है इनकी है कुकर लाओ मैं तो कमरा ओढ़ दो जाओ लो ठंडी लगने रात के है ठंड पाल रही है रात के ठंड लगे सुबह बता तो मैं डाल अब जो उड़ लो अच्छे से उड़ लियो हवा ना पास हो गए अभी मता ही नहीं कितनी ठंडी है यार ये तेरे पे तो जद्दी उड़ानी है बोलो मतलब कमरा नहीं मोते के वो तो बहुत ही ज्यादा ठंड एक मिनट झुका कर सी हो रहा है ये का है का अरे यार उतर बेपरे तो जी परे जी भौजी परी अभी तबा परी तो यहाँ के कलेश कंद में परों तो कांपों ने एक उन्ना दिखा रहा है लेकर बैठ
अरे बहुत ठंडी लग रही है, उस सोनू कह तो अब नहीं आओ कमरा दे, बहुत ठंडी है। कहाँ गाओ, चलो सो गाओ, ये मैं कहाँ जा रात के उलो। कछू ना लो नहीं है यार, मैं कहाँ तो पर हूँ, जाड़ो मिट रहो क्या की गया रखी लगवाई की धोती हो रहा है दादा, तो बस सो था सुबह जल्दी धारो उठ के अंदर को कलेश करना सुबह देख लेना सो। मुँह दिखा सुबह हो गई, सही में मैं तो रात भर को कह गई बिल्कुल, जो कमरा इतना छोटा सो है कि मुँह ढा करती सो पाँव उगाया जाती और पाँव ढा करती सो मुँह उगाया जाती तो। अरे बाने तो जिज्जी और भाई सब तो को कह गए हुए कैसे उनके पास कौन कमरा है तो देखो मैं तनक बाने को तमाशो। जिज्जी जिंदा हो मतलब, उठ जाओ मैं जो गाती हाँ। अच्छी नींद आई जो तक छोड़ तक बाद में जो बता रात के तो करती में कमरा लेंगे कहाँगा वो कमरा मरा खुद तो महारानी सी घर पर रही हमें तेड आ गई हो कि ना कमरा दा हुआ। अब देखिए दूसन के घर जाने और सो ऐसी तकलीफ तो हो ही जाती सो तनक मन का अच्छे सो हाओ रिश्तेदार ने जो को अच्छे से रखने खुश सो घर में पर नहीं कमरा में ओढ़ ले हुई है सब कछु और हमसे तेरा तो मर मरेगा है बिल्कुल ठंड में। अरे तो मरी तो नहीं है ना, चलो बाहर हो भी चल ठीक है छोड़ हां नहीं तभी आदमी को वहां निकलना लगे बताते तो चाहते कि हम मर जाना रात के ढंग से रोटी खावा जाए ढंग से उन्ना जाए पाए। हाँ चल तो देखो तो जीजी छबला है तो रोटी पचेगा हाँ, सब की ऐसी बातें कर रही हो कुछ कोरा हो है ते कुमत आई कुनु चोय तो नहीं पड़ी आओ है और ठोस को कौन बना दो जो तो हम आदमी आए ओ घर की तो मैं तेरे ही धुत के उठ के उड़े तो मैं उन नजर तो नहीं मिली तो धुत के उड़ा फिर ये की देवरानी की रात भर तो ढंग से नींद नहीं आऊंगी। मोरी धुतिया मैंने 2 किलो शराब में फुलाई थी जब बसात निकली थी और तुमने गंदी कह दी। बसात का में आया जब तुमने 2 किलो निर्मा में धोई थी कैसे जब भैंसियन की उड़क की आ जाए धुतिया ठीक है मतलब कैसे हो तुम दो आदमी जब देखो चका 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 कहते ही हमें जो रही सो तक घर में रिश्तेदार आ रहा ढंग से रहा बोली मैं तुम्हें देवरानियां हैं ऐसी ठंड लगा पूरी रात भर। अच्छा ठंडा लगत रही है का ये कमरा में दूध ने हम बनाती नहीं थे ठंड लग गई है मताई अब तो ठंड लग गई अब जा तुम बाहर हुआ हाँ जा रहा है तो ठंड में पेट पैर लग गया तुम्हारा खाया लड़िया भोजी मुँह तो अच्छा पुरानो पेट मैं तो जो चाहत कि तुम हमारे घर कभू आओ ही ना अबे तो पेटा बस पुरानो अब एक आध दो दिन और रुकने ना तो मैं सो अबे हाँ तो घोड़े जाने काका पिराने बहुत अच्छो खाओ मैं तो कब भगवान दस्त लग जा मैं हगत फिरत रान मान जल्दी बना ले चाय का करत बोल दिया चाय मैं रात आ जल्दी बनाती सो तो कहे तो चार हाथ आ है अब करई तो रही मैंने तो होटल तो खोल लाओ है सुबह बिल्कुल चाय बना दो फटाफट पूरी बना दो हलवा बना दो खीर बना दो जो बना दो वो बना दो रिश्तेदार आए कि आप हटाए एक ठंडा ठीक लगे दस्त मैं तो कहती जिज्जी को आ पेट पिरान लगे उल्टी लग जाए और छीके आऊं लगे और देखो देखो तो मुंह लगा सर्दी लग गई रात भर ठंड में रिश्तेदारी में आ गए
कर दो दांत तैयार दिखा ले कौन होगा भाई ये मुंह तो शायद ही जुकाम हो गई है चलो दांत तैयार दिखा ले हां दांत तैयार हां ना दिखाओ घर पहुंचा दो घर जाने वो जी हां कब नहीं जाने घर तो बच्चा को ना घर जाने तबीयत तो खराब है उनकी तू घर आ जाने उन्हें अबे घर नहीं जाना घर है कौन को ही आज एक बजे तक बिहार थे तो तबीयत खराब होगी सो जल्दी उड़ाने सो जा देखे तक ही नहीं चलो दवाई का वहां जा चलो तुम ठीक है ले आओ मैं नाक पहुंचा रहा हूं नहीं जू चाहती ना तुम आई ऐसा कुछ नहीं है मैं तो जगह में हाथ कोड़े पे है दवा वास्ते कितने ना मुड़ उड़ दवा देगी बस अरे मैं तो मजाक कर रही थी आओ चाय पी लो से सही हो जाए तक अच्छा चाय बना दूं अरे दस्त लग गए रे बहुत तेज जान दो रे मुंह डब्बा लेके इन हल्के यहाँ का होगा मैं गई थी सुखाती पीठ पे रात मुंह देखा दस्त लग गए हैं आज तो हम आए थे को बगल को कुगा पूरा खाली हो जाने अरे इतना मिटो है रासी आई है पेट ने तंग कर लो या वैसा कौन सो मिलो रे ये पेट से तो गुड़ा गुड़ा हो तो सुबह से तीन दफे चलूगा मिटवे ही नहीं आ रहा जो का होगा भैया अरे का बता भैया का होगा लगे ये का होगा सुबह से देखो दस्त लग गए घर में चार डब्बे ना चलाओ नौ से मेरे को बाहर कहो तो फैस खुद जा रहा है मेरे को इनके चल चल के मुंह दिखा ज्यादा ही पेट खराब होगा ठीक भाव अपने घर चली जाओ देखो आप देखो हमारे घर की बात नहीं घर खड़े हमारे घर कौन को है तो तुम्हारा पेट नहीं पिरा रहा पेट की नहीं है चिंता अब हल्के तो कहते डॉक्टर लोग आ जाए सो फिर डॉक्टर लोग देखो आ जाए सो एक आध दो दिन में और ठीक हो रहे हैं सो और ठीक हो जाए सो पैसा दे जाए हम वो लगा तो एक तो लगा कि क्योंकि सब भगा ही साहब है वही जो कह अबे अबे तो आए हैं दिल्ली से उधर सब सामान डर हुई है ऐसे ही सब साफ सफाई करने यार मैं इन्हें देख रही जब मुझे घर आया है ना सब जब बताओ मैंने कहा पूछने लो नहीं है मुँह तो बोल लेना नहीं है ढंग से ही समोसे से जब कहे काम से मुँह लो अरे पेट ने तो बहुत दिमाग खा लो रे चलो भज्जा आ तो घर चलो इतने मुंह नहीं रोकने आप वरना रात भाई कमरा में ठंड में मारा में पेट प्राण लग गाओ देख तो भौजी की तबीयत खराब हो गई का होगा अब नहीं जाओ नहीं घर लौट के अभी चलो घर मुंह लगाने इतने बिल्कुल खा लो भाई ढंग से खा भी मिलो सक में इतने रात के तो मैं देख सके कमरा में लाई गा हुई बोल भी अब जो बता भाई ठीक है कर लेती उन्हें अब और लेती के हुई है बेचा लेती मरी जाई ऊपर से तीन जुड़ाती में कट कतरी बिल्कुल तो बर्फ सी लगाती मुंह तो चलो भाई सही का बहुत जब नहीं आऊंगे घर लौट के दोबारा तो मैं जब बहू मुझे घर आ गई फिर जब बता दो फूफा की बहू मैं अगर तू जा भी आ गए ये कह रही थी हां से मैंने कही थी जा भी ऐसे मुझे पता ना तो कि ये सिया तो फूफा की का हल्ला रखा है बहू समझ गई अब ठीक रहा अब जो चले जाए हमारे घर से तो ही हमें चैन मिले है जी का होगा ठंड लगी का रात भाई अब जे सब हो सब ठीक है महारानी ठीक है ना चलो बच्चे सफर यहां हमें जाने भज्जे तुम्हारा तो सपा बे बे रात में ठंड में हमारा पेट पर लग गओ अब तुम्हारा घर लौट के नहीं आऊंगा हल्की सपा लो अच्छा जूड़ो पानी एक रन नल में भाजी हमें नहीं आवे तुम्हारा घर लौट के चलो भाजी जा दवाई खावा ने चलो भाजी आ चल अरे दवाई खावा ने चल हमें जाने भज्जे हम तो हमारा पेट पर लग गए तेरे के सही के ना तो तुम्हारे तो एक दो एक ठगिया कतरी दे दी एक ठगिया कमरा मोया भी है दे दो ठंड में मरेगा हम तो ककरे गए बिल्कुल अब तो मैं ऐसे ना कहा देखो कमरा तो बहुत है हमारे घर में पूरा कमरा भरो धरो कमरा औलान तो भौजी तुम्हारे एक कमरा हो तो हमें उड़ा ना देती रात के ठंड में कोको आद रहा है तेरे पेट पर लग रहा है ही ना सकते मरो जाओ दस तन के मारे बिल्कुल अब देखियो मैंने इनसे कही थी कि दे दे जो कमरा अभी नहीं की गलती है जी दे भी नहीं आया कमरा साची कहो तो तुम्हारे है ना यहां कमरा हो दे सो दे भी ना उड़वे उड़ावे रिश्तेदार ने ना आ भाजी चले अब ना चलो जे कैसे आए तो न पूछो लो नहीं रात में सो जी जा रही हो का जाने हो सो चली जाओ का छुबराई भलाई नहीं है देखो भाजी इनके तो बेचारी मियां है कि बिल्कुल जी तो भग जा अपनों से ये तो पूछे रिश्तेदार नन से देखो तो मोरी ना करो बेइज्जती इनकी करो बेइज्जती तुम भी कर लो भाई साहब तुम भी कर लो है जी है बेइज्जती लायक मैं इनसे जाने कब से लगी हूँ दो साल पहले से लगी हूँ कि कमरा ले लो लेकिन इन्हें तो पैसा बचा कह की बेइज्जती अपनी रिश्तेदार अभी तो कह गए नहीं है हल्की ये सुनी कर नहीं जिस तुमने करो हमें पता होते तो मैं घर खोला ना तुम्हें बहुत रखने ना भज्जा भौजी जाने की यहाँ रिश्तेदार ना कमरा तो है बात नहीं सुन रहा तुम हमारी कमरा तो है नहीं है ओढ़ के लाने आज भौजी को जिज्जी को पेट पिरा रहा हूँ कल मोरा पिरान लगे हैं मोहानी है ओढ़ के लाने कमरा उनके लाने भी नहीं है उन्हें तो मैं रख नहीं आए रोकर आए हो
दवाई का आवाज तूने दवाई तो कावा हम तो दवाई का आवाज सुने तो पहुंचा दो कह के नहीं घाया गए दवाई तक नहीं कराई फिर पहुंचा दे मतलब और बेइज्जती करवाऊ ने है ना चार आदमन के सामने तो हो ही गई आठ आदमन के सामने और बेइज्जती करवाऊ ने तो मैं कमरे ना पैसा नहीं है दवाई करवावे के लाने बहुत पैसा है ना अब जल्दी जल्दी लगा लो गाड़ी में चाबी तो तुम्हारी टेट गए रात में फूका की बहुत तुम्हें जिंदगी में कम उन्हें लौट के यहाँ हुए थे चलो भाई यहाँ बैठो अभी रिश्तेदार नहीं चलो चलो